तो उधर लोकसभा तो सस्पेंड होने तो बाद सरकार दे उत्ते अधीर रंजन चौधरी निशाने साध दे नजर आए ने। उन्हें क्या है कि नियम कायदे तोड़ के 22 बिल पास कराए गए ते उन्हें ये भी क्या कि विरोधियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है। सवाल उन्हें इतने ये भी चुकया है कि आखिरकार पीएम मोदी को गठजोड़ तो इतराज क्यों है। स्पीकर साहब अगर सोचे कि अनपार्लियामेंटरी है तो हटा दे सकते, लेकिन स्पीकर साहब को भी हम बाद में दरखास्त कर सकते, फिर ये रेस्टोरेशन करने की भी एक तरीका है। राजा अन्ना मतलब देखिए, अपने समाज में घर में जहां भी जाए आप, हम अपना बात रखने में रूपक का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा भाषा की एक कला होते हैं रूपक का इस्तेमाल करना। बाद बात में हम इटाली इटाली तो नहीं किए, इटाली इटाली करने का मतलब क्या होते हैं बखूबी सब समझ पाते हैं कि हमारे पार्टी को सारे विपक्ष को हम सबको एहसास तो थी कि देश की प्रधानमंत्री चांद से लेकर चीता तक हर चीज में बात रखते हैं, तो भलाई मणिपुर क्यों कोई भी मुद्दे पे देश की विपक्ष के सारे विपक्ष जब मांग करते हैं विपक्ष की मांग को सम्मान देते हैं, वो भी हमारे लिए और देश के लिए मणिपुर के लिए कुछ बात रखेंगे, ये तो हुआ ही नहीं। अगर कहीं बम गिराने की जरूरत होते है तो हो सकते, मैं तो चाहता हूं कि लद्दाख में बम गिराओ और चीना फौज को हटाओ वहां से, चाहे क्यों ना वो हमारे देश के अंदर बमबारी हो, क्योंकि चीना फौज हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए देश के अंदर बमबारी होना चाहिए चीना फौज को हटाने के लिए। अगर कहीं मिजोरम के अंदर कोई बाहर वाले फौज की अगर घुसपैठिया होते तो बम एक बने 100 बार गिराना चाहिए था, इसमें कोई अंडर नहीं। लद्दाख में हमारे जमीन पे आके चीना फौज ने बैठे हैं, अरुणाचल में हमारे जमीन में चीना फौजों की गांव बसा लिए हैं, वहां जाके बम गिराओ। हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारे मोदी देश के अंदर बम गिराते हैं, जरूरत पड़े गिराना चाहिए।